फौजियों का गांव। जी हाँ, सही सुना आपने, ये एक ऐसा गांव है जहाँ हर घर में फौजी है। सड़कों के किनारे शहीदों की प्रतिमाएं हैं। इतना ही नहीं, भगवान की तरह यहाँ शहीदों की प्रतिमाएं पूजी जाती हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं राजस्थान के झुंझुनू के भैसावता गांव में। शहीद और शौर्य की बात हो तो पूरे देश में झुंझुनू का नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है, क्योंकि झुंझुनू जिले के वीर सैनिकों ने सीमा पर दुश्मनों के दांत खट्टे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, चाहे उसके बदले में उन्हें देश की मिट्टी के लिए बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि आसमान से इतना पानी नहीं बरसा जितना झुंझुनू के जवानों ने देश के लिए खून दे दिया। बता दें कि इस गांव के रहने वाले दादा के बाद अब पोते ने शहादत दी, अजय सिंह नरू का, जो जम्मू में आतंकी हमले में शहीद हुए। उनके गांव भैसावता कला को फौजियों का गांव भी कहा जाता है, क्योंकि गांव के लोगों ने ये बताया कि गांव में 300 से अधिक युवक सेना में हैं, जबकि 500 से अधिक रिटायर्ड पूर्व सैनिक है। उनके अनुसार सेना में जाकर देश सेवा करने का जज्बा जवानों में कभी भी कम नहीं हुआ। भैसावता गांव के लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ फौजी बनना नौकरी नहीं बल्कि एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, जिसे आज भी शिद्दत से निभाया जा रहा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी मुठभेड़ में झुंझुनू जिले के दो बेटे बिजेंद्र सिंह और अजय सिंह नरू का शहीद हो गए थे। शहीद बिजेंद्र सिंह झुंझुनू के डुमोली कला के रहने वाले थे और अजय सिंह नरू का भैसावता कला के रहने वाले थे। दोनों जवानों का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि अजय सिंह के पिता कमल सिंह भी सेना में थे। शहीद के पिता 24 राजपूत रेजिमेंट में थे। 2025 में वो रिटायर हुए। इतना ही नहीं, अजय सिंह नरुका से पहले उनके चचेरे दादा ने साल 2021 में शहादत दी थी, वो बीएसएफ में थे। अजय सिंह के मामा तेजपाल सिंह भी सेना में थे, वो साल 2020 में शहीद हुए थे। बता दें कि शहीद अजय सिंह के चाचा कायम सिंह सेना में अभी फिलहाल हैं, वो 23 राजपूत रेजिमेंट में सिक्किम में सेवाएं दे रहे हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पहले विश्व युद्ध से लेकर अब तक झुंझुनू जिले से 885 जवानों ने शहादत दी है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में 108, कारगिल युद्ध में 19 जवानों ने शहादत देकर पाक घुसपैठियों को खदेड़ा था। भारत चीन 1962 युद्ध हो या फिर भारत पाकिस्तान 1965 का रण क्षेत्र, झुंझुनू के जवानों ने अपने साहस का परिचय हमेशा दिया है। इतना ही नहीं, वर्तमान में जिले के 55,000 जवान सेना में कार्यरत है और 60,000 से ज्यादा पूर्व सैनिक जिले में है। यकीनन भारत की सुरक्षा में गांव का योगदान रहा है। भारत के न जाने ऐसे कितने ही गांव हैं जिनके वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिया है। हमारी भारतीय सेना के लिए अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहे रिपब्लिक के साथ।